गुड मॉर्निंग क्लास, सिक्स क्लास। कल बेटा मैंने आपको मंगल वाला पाठ पढ़ा रही थी, यह कल आपका आधा हुआ था, आधा मैं इसको आज पढ़ा रही हूँ। क्योंकि लंबा पाठ था ना, तो आपको समय लगता है, तो इसलिए मैंने आपको दो वीडियो करके भेजी है। आपने पहली वीडियो कल देखी होगी, आज इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम आगे का। हमने पढ़ा था कहाँ तक कि जो मंगल था वह बहुत ही हट्टा कट्टा था, उसका रंग काला तो था, परंतु वह बहुत ही मेहनती था और उसका शरीर जो था सुडौल था। उसके कितने बच्चे हुए थे? उसके दो हुए थे, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का उसने विवाह बहुत अच्छी तरीके से किया था और पुत्र का उसका देहांत हो चुका था। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आज न वह देवी रही, न वह कड़ाहा रहा, मंगल वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबों को वह अपने अक्खड़पन से हमसे हमेशा धता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका, क्योंकि उम्र दिन पर दिन बढ़ती जाती है। मैंने आपको कल भी बताया था, वह किसी का इंतजार नहीं करती है। समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य का जो शरीर होता है वह भी उथल पुथल हो जाता है। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही, और आज उस पर यह कहावत लागू है, सूखी हार काट पड़ी भारी, अब का लादव है व्यापारी। यानी अब वह कितना भी अपने को शो करना चाहे चुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि तो उसकी जो हड्डियां हैं वह इतनी मेहनत करने के बाद सूख गई है। उसके शरीर का मांस और पेशियां ही नहीं गल गई हैं, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग चित्र मात्र रह गया है। बुढ़ापे के प्रारंभ के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज का संग्रह मंगल ने कभी किया ही नहीं। आज खाए और कल को झके, ताको गोरख संग न रखे। यानी उसने कभी बचाने का अभ्यास नहीं किया, जो आज है उसे उसने उसी समय समाप्त करने की सोची। बेटा जब हम कुछ भी कमाते हैं, उसमें से कुछ धनराशि या कुछ भी हमें थोड़ा थोड़ा सा बचा कर रखना चाहिए, जो हमारे को समय पड़ने पर निकाल कर हम उसका खर्च कर सकें। का उपासक यह मंगल संग्रह का तो दुश्मन रहा, कोई संतान भी नहीं जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती थी। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसने इस निरशस्त्र कवच ही नहीं होता पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकस में थे। मतलब उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था, परंतु वे नहीं बच पाया था। मंकर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के लिए नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम लिए गए। यानी जब उसका शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया था, तो वह छोटे छोटे ही काम कर देता था, लेकिन यह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब एक ही उपाय रह गया था, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवाओं अर्थात अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है। बेटे हमारे देश के अंदर सरकारी जो नौकरी प्राप्त करते हैं उनको तो पेंशन की योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन जो प्राइवेट काम करते हैं है ना, उनके लिए पेंशन की कोई योजना नहीं होती। लेकिन अब तो फिर भी सरकार के द्वारा काफी कदम अच्छे उठाए गए हैं कि सभी की सहायता वह करने के लिए तत्पर तैयार है। लेकिन किसान होते हैं, गरीब मजदूर होते हैं, उनके लिए पेंशन का कोई भी सहारा नहीं होता। पेंशन वह होती है जो हमारी आय का कुछ भाग हमारे को सरकार के पास जमा करते हैं हम लोग, और उसका ही हमारे को बाद में ब्याज मिलकर मिलता है। और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। यानी कोई किसी की मदद क्यों करेगा? पहले वह अपनी मदद करने की सोचेगा, वह किसी के ऊपर नहीं, वह किसी को और मदद क्यों देगा भी? उसके पास भी हम कुछ रखेंगे, गिरवी रखते हैं या कुछ देते हैं, तभी तो वह हमें पैसे देगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी की मदद बिना बात की करे। फिर मंगल में जली हुई रस्सी की वह ऐठन, और शायद गर्मी भी है, यानी उसका स्वभाव ऐसा है, तो उसकी मदद भी करने के लिए कौन तैयार है। फिर मंगल में जली हुई रस्सी की वह ऐठन, और शायद गर्मी भी है,
जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा है। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों को शीतल सतह और मंगर के शब्द कोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए। जब तक आप इससे प्रेम पूर्वक नहीं बोलेंगे, आप किसी का काम मतलब बिल्कुल राजी से नहीं कर दोगे, तब तक बेटा तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। यदि हमारे व्यवहार के अंदर रूखापन है तो कोई भी हमारे लिए आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बदले आज भी वह बेलोस बातें झड़प झड़कियों की आंच जो पानी की क्या बात उनको भी सुखा दी, यानी वैसे बोलते थे कि तीर अंदर तक लग जाता था। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदे कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उनसे भले ही बुझे, मंगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह झांझर भी नहीं पाते अगर उसकी अदागनी नहीं होती। इसमें कवि कहता है कि वह इस तरह से कमजोर हो गया था कि हम उसे शायद वह रहता या नहीं रहता, उसका सारा श्रेय जो जाता है उसकी पत्नी मकोलिया जो थी उसको जाता है, क्योंकि देखिए उसने कितनी मेहनत की। उसकी अर्धांगिनी अर्धांगिनी पत्नी को कहा जाता है मकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं, क्योंकि रंग बिना संसार में ईश्वर ने धोई दी है केवल काला और गोरा, किसी को काला कहो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रंग रूप से कुछ नहीं होता है, रंग रूप से केवल जो है व्यक्ति का आकर्षक जो होता है वह चमकता है, लेकिन जो उसकी सुंदरता होती है उसके व्यवहार से मापी जानी चाहिए। दो ही बच्चे हुए इसलिए स्त्रीत्व के उस महान रूप से बहुत कुछ वह बची रही जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता है। यानी कि एक माँ जब एक गृहिणी होती है, बेटा औरत होती है, जब वह माँ बनती है या मतलब माता का नाम दर्जा मिलता है उसे, तो वह बहुत ही सुख का अनुभव करती है। जो इससे वंचित रहते हैं तो उन पर तो मानो पहाड़ सा ही टूट पड़ता है। यही कारण है मंगर जर्जर हो गया, लेकिन मकोलिया अभी चलती फिरती तो है, कुछ हाथ पांव चलाकर संग्रह कर लेती और दोनों प्राणियों की गुजर चली पाती थी है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन झिझती जाती है, यानी वह भी कमजोर होती जा रही है। मकोलिया मंगल की आदर्श जोड़ी शारीरिक ढांचे में ही नहीं स्वभाव में भी है। वे भी दिन थे जब वह तमक कर बोलती झपट कर चलती, न किसी को मुंह लगाती और न किसी की हेटी बर्दाश्त करती, यानी वह भी बड़े गुरु में रहती थी जिस तरह से उसका पति था, वह भी उसी के स्वभाव की थी। लेकिन उसके अंदर मतलब किस तरह से कहूँ कि अगर कोई कुछ बोलता था तो उसका तपाक से वह जवाब दे देती थी, अपने पास तक नहीं रखती। जिस किसी ने छेड़ा काली सापिंग के पन पर पैर रखा, लेकिन मकोलियन में सिर्फ उनकार मात्र दंजन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय हुआ। लेकिन यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में कहीं ना कहीं पे ममता थी। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसका उदाहरण है मकोलिया मंगल, आज भी नहीं मंगल है मुंह का बेलोस या कुंभर कहिए, लेकिन मकोलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा घर खिला दिया, किसी का उड़ान पिसान कर दिया, किसी का गोबर बांट दिया, किसी का पानी भर दिया और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आग पीछे खाने बैठे, किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती है, क्योंकि जो आदमी के अंदर गुण होते हैं वो बेटा विद्वान ही रहते हैं, हठी होता है और वह जो स्त्री होती है उसको अपने से नीचे दबा के रखना चाहता है। तो मंगर का भी स्वभाव वैसी था, मंगोलिया कितना भी काम कर लेती थी लेकिन वह अपने अंदर वह समझता था कि मैं पुरुष हूँ। मंगर अपना सारा पित और पुरानी झड़प को अब ज्यादातर इसी पर झाड़ता है, क्योंकि उसकी कहीं और तो चलती नहीं थी, उसकी किस पर चलती थी, केवल अपनी पत्नी पर ही चलती थी। भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों के बिसर जाने का
प्रयत्न करता उस भगवान ने प्रसाद उसकी ओर दुर्गत कर दी। उसे जोरों की अधक पारी भी बकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मूर्ति से दालचीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका ले उसके ललाट पर कर दिया, बाएं फुटी पर और आंख पर भी लगा दी। मंगर ने देव की पहली ठंडाई अनुभव कर कहा, मकोलिया हुकुम बजा लाई, लेकिन यह क्या, जहां जहां लेप था वहां अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आंख ही ले ली। जब मैं घर गया, बबुआ जी मेरी एक आंख चली गई, मैं काना हो गया, कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने ही पहली बार रोते देखा था, क्योंकि इतनी विपत्ति आने पर मैं घबराया नहीं, लेकिन इस समय मैं टूट गया। मैं उसे ढांढस दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कब रही, यानी मैं उसको क्या कहता, क्योंकि परेशानियां उसके पास में बहुत थी। पिछले माह में मैं जब घर पहुंचा, सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई से लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी दम सी आवाज होती रही। रजाई मुंह से हटाकर आंख खोली, देखा सामने पुआल के टाल के नजदीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है। यह क्या, चौंक कर उठा उस और बड़ा, यह तो मंगर है, सुना था मंगर को अर्ध धाम मार गया है। देखा आगे सजल हो भी निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते, यह कैसी चोट लगी लग रही होगी, पड़े पड़े मन टूट जाता है बबुआ। मंगर ने जवाब दिया, उफ नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पहाड़ खा गिर पड़ती है, कैसा करूं दृश्य। यानी बेटा, इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब व्यक्ति का शरीर साथ नहीं देता तो उसको मतलब यात्राएं कितनी सहनी पड़ती है, देखिए वह कितनी परेशानियों का सामना कर रहा होता है, क्योंकि एक आयु में आकर किसी न किसी सहारे की आवश्यकता अवश्य होती है, और ऊपर से उसको मंगल को बीमारियों ने घेर लिया था। बूढ़ा व्यक्ति जब होता है बेटा, वह पलंग पर पड़ा पड़ा भी जो होता है बहुत ही परेशान हो जाता है, उसे चाहिए होता है किसी का साथ। वह साथ कब होता है, जो उस भाई हम उम्र के होते हैं या तो आकर बात करें, या उससे छोटी उम्र के जो होते हैं वह अगर आकर उसका हाल चाल भी ले लें तो उसकी मानो आधी तकलीफ दूर हो जाती है। हमें भी इस पाठ से एक सीख मिलती है कि हमें कभी भी बड़े जो हैं उनके पास अपना कुछ समय निकाल कर बैठना चाहिए, उनके सुख दुख का अभाव लेना चाहिए, उसमें बेटा हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर हम किसी के दुख सुख को जरा सा जान लेंगे या उनकी सुन लेंगे तो उनका मन भी प्रसन्न हो जाएगा और हम भी उनके लिए कुछ करने की कम से कम कुछ तो थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं। बहुत मतलब जो बाकी में जो कहानी पढ़ी गई है उसके अनुसार बहुत दुख होता है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बेटा मैं इसका काम आपको साफ साफ भेज रही हूँ, आप भी अपने कॉपी के अंदर साफ साफ काम करेंगे और किताब का काम किताब में करेंगे, यानी जो अभ्यास कार्य आता है उसे आप किताब के अंदर करेंगे। शब्द प्रश्न उत्तर और आशय स्पष्ट वह आप कॉपी के अंदर करेंगे, ठीक है बेटा। जब आपकी सेकंड ड्यूटी पूरी हो जाएगी, काम पूरा हो जाएगा, तब आकर आप पहले से पहले टेस्ट से पहले कॉपी चेक कराने के लिए विद्यालय उपस्थित होंगे। थैंक यू बेटा।